अभी उनको निकालने का पूरा प्रयास चल रहा है, और अभी एसडीआरएफ टीम भी आई है, हम लोग सब पूरे मौके वारदात पे है, उनको निकालने का पूरा प्रयत्न चालू है। कितने लोग हैं बॉस वहाँ पर अभी? 15-1 लोग है। और कौन कौन अभी तक निकाला नहीं गया क्या, कोई एक दो लोग को? नहीं नहीं बस वो शुरुआत में जो एक दो लोग निकले थे वही है, और बाकी सब वही है अभी जमा है, क्योंकि उनको तीरते नहीं आते ना। कैसे रास्ता हो रहा आप लोगों को उससे कुछ बातचीत? हाँ उधर एक अपना बाले डीसी करके उससे बातचीत कर रहे हम लोग। तो क्या कंडीशन है, कब तक निकल सकते हो? अभी देखो एनडीआरएफ टीम भी आई है अभी उनसे, और अपना डिप्यूटी और वाली पीआई सब यहीं पे है, वही अभी मशवरा चल रहा कैसे क्या करना है। अभी कोई जानी नुकसान नहीं है, कोई बात नहीं, उनको निकाला जाएगा इंशाल्लाह करके। क्या अपील करेंगे मालेगांव की आवाम से, क्या अपील करेंगे आप? मालेगांव से तो हमेशा अपील करते हैं अपन के यार पानी अपने बच्चों पर ध्यान दे, लेकिन लोग ध्यान देते नहीं। और अभी मछेरे लोग भी बेचारे आते, पानी कम रहता इस तरफ से उस तरफ चले जाते और पानी छूट जाता फंस जाते, इनको भी चाहिए ना एहतियाती कुछ तदाबीर करके किनारे बैठना चाहिए। कुछ हेलीकॉप्टर भी आने वाला था मैं सुना था। नहीं नहीं रात हो गया, रात को हेलीकॉप्टर नहीं आता। चलो दिल्ली 100 बजे तक इंशाल्लाह वो लोग निकल जाएंगे। अभी जैसे हूँ तो मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके। अभी ये जो है तकरीबन 15-16 लोग जो है अपने लास्ट तो कॉलोनी आखिरी कॉलोनी जो बोलते ना वहाँ पे नदी के अंदर जो है 15-16 लोग फंसे हुए है, तो उनको निकालने की जो है कोशिश और तैयारी हमारी शाम 5:30 बजे से चालू थी, लेकिन फायर ऑफिसर संजय पवार साहब ने कहा कि अपन कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह का इंतजाम करते हैं, अभी रात का 10 बज चुका है और फिलहाल अभी तक वो लोग को ना कोई खाना या ऐसा कोई इंतजाम के उसका अल्लाह, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको हमारे बस में अगर होगा तो हम कम से कम खाना जो है उनके तक पहुंचा देंगे। तो भाई की टीमें भी लाई जा रही है ऐसा सुनने में आ रहा है कुछ? अभी कुछ टाइम पहले शकील तैराक को मैंने फोन किया और उनसे मालूमात ली, तो ऐसा बोल रहे हैं कि यार एसटीआरएफ की टीम जो वहाँ पे पहुँच चुकी है, बाकी अभी वो लोग क्या करेंगे क्या नहीं आगे की अपडेट आप लोगों को जो भी है मोबाइल या न्यूज़ के जरिए मिल जाएंगे इंशाल्लाह।